दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कई फिल्मों को अपनी मेहनत और लगन से सफल बनाने वाले मिथुन चक्रवर्ती की जर्नी इतनी भी आसान नहीं रही। डिस्को डांसर के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती की कहानी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। 16 जून 1950 को जन्मे मिथुन चक्रवर्ती का आज 72वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर हम आपको उनकी ज़िंदगी के ऐसे किस्से बताएंगे जो आपको मुश्किल हालातों से लड़ने का हौसला देंगे। कहते हैं ना, कुछ करने का जज्बा होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। काम की तलाश में मुंबई पहुंचे मिथुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महीनों तक जब उन्हें काम नहीं मिला तो वे दो वक्त की रोटी तक के मोहताज हो गए। कई दिन उन्होंने भूखे पेट रातें गुजारी। इसके बाद महीनों की कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद इन्हें हेलन का असिस्टेंट बनने का अवसर मिला और फिर फिल्मों में उन्हें छोटे छोटे रोल दिए गए। मिथुन को अमिताभ बच्चन की फिल्म दो अनजानों में छोटा सा रोल मिला। मिथुन ने 1976 में फिल्म मृग्या से अपने डेब्यू किया था। इंडियन ट्राइब न्यूज़ के मुताबिक मिथुन ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वे पहली बार मुंबई आए तो उन्हें उनके लुक और स्किन कलर को देखकर रिजेक्ट कर दिया गया। समय ऐसा था कि सिर छुपाने तक के लिए जगह नहीं थी। मिथुन बिल्डिंग के छतों और पानी की टंकी में सोते थे और रात भर काम की तलाश में भटकते रहते थे। बताते चले कि एक्टर की 33 फिल्में लगातार फ्लॉप रही थी। इसके बावजूद भी डायरेक्टर्स ने उन्हें 12 और फिल्मों में काम करने का मौका दिया। इन फिल्मों में मिथुन ने अपने हुनर का लोहा मनवाया और लाखों लोगों के फैंस के दिलों में राज करने लगे। जी हाँ, आपको बता दें, मिथुन के ज़िंदगी में सुनहरा पल तब आया जब उन्हें 1982 में फिल्म डिस्को डांसर मिली। इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की थी। एक नॉन डांसर होने के बावजूद भी मिथुन ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और उनका डांस स्टेप देश भर में फेमस हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।